भाई बताइए वो फाल्गुनी मेरी एडवोकेट है। आदिल के खिलाफ सेक्शन 406, 323, 377 और 498 में FIR दर्ज कराई गई है और अभी आदिल को अरेस्ट किया गया है। पहले आदिल को क्या कुछ कह रहे थे लोग, मान रहे थे आपकी बात, पुलिस क्या कुछ कह रहा था पुलिस वालों का, उसके बारे में कुछ बताइए। पुलिस वालों का कोई कहना नहीं था, हमने रिटर्न कंप्लेंट दी थी, जो जो हमारी ग्रीवेंस थी उसकी रिटर्न कंप्लेंट दी और रिटर्न कंप्लेंट के बेसिस पे FIR दर्ज हो गई है सेक्शन 406, 323, 377 एंड 498A और अभी उसको अरेस्ट किया गया है। आदिल का पक्ष क्या था, आदिल पूरे दिन में आदिल किस तरह से कोऑपरेटिव था पुलिस से, किस तरह था? और राखी जी, मुझे पूरा दिन उन्होंने फोन किया है कि देखिए आदिल जो अपना पक्ष रखेगा वो कोर्ट के समक्ष रखेगा, हमने अपनी अपने जो हमारे फर्ज का हक था हमारा जो था हमने वो पूरा कर दिया। चलो पीछे चलो, पीछे चलो, गाड़ी आई है, साइड में हो जाओ सब लोग, चलो ना पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे चलेगा तो ए पीछे पीछे आगे चलो आप लोग। अरे मेरे पे चढ़ो ना, जैसे नहीं नहीं रानी थोड़ा दब जा बाबा, थोड़ा 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 सा हो जा, थोड़ा आने दे। अरे मेरे पे तो चढ़ जाएगी, चलो 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 राखी जी आपका कहना है कि सुबह से आपको कॉल करने की कोशिश की जा रही थी, आप कुछ बताना चाहोगे कितनी बार आपने कॉल रिसीव किया और उनका क्या पक्ष था पूरे दिन में, अगर कुछ आप बोलोगे। आराम से बेटा, आपका पक्ष क्या था और आदिल लगातार आपसे फोन पे संपर्क करने की कोशिश किए जा रहे थे, आपने एक भी बार फोन उठाया उनका, कुछ उन्होंने कहा अपने तरफ से? हाँ, क्या क्या उन्होंने मुझे एक दो बार अंदर बुलाया कि मैटर को खत्म करो और मैंने ऐसे जो मैटर उन्होंने दसों बार पिछले 7-8 महीने मैंने मेरी शादी में दसों बार उन्होंने माफ़ी मांगी है, मैटर ख़त्म करो। मैंने अपनी तरफ से 7-8 महीने की शादी में कम उनको नहीं तो 25-50 बार माफ़ किया होगा, हर चीज़ में
सात आठ महीने की शादी में तीन तीन चार चार गर्लफ्रेंडों को छुड़ाया है मैंने, आप समझ सकते हैं। जो मैं देखो दादा प्यार था जो यू नो आप प्यार पड़ी और प्यार था, आपको तकलीफ हो रही थी। मुझे तकलीफ हो रही थी, प्यार था कि मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मेरा अभी साढ़े चार महीने पहले एक ऑपरेशन हुआ है, बिग बॉस में जाने से पहले साढ़े चार वीर डॉक्टर गणेश शिंदे ने मेरा बेबी के लिए यूट्रस का ऑपरेशन किया था। कितना ही रह रहा है पीछे तो बंदा कौन है। हम लोग एडमिट थे, हम लोग अभी बेबी प्लान कर रहे थे। सब खत्म, उन्होंने सब खत्म कर दिया। आदिल ने खुद ही अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया। वेल मैम, जिस तरीके से अभी ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है आदिल को, तो अब आगे क्या क्या प्रोसीजर, कल उनको कोर्ट में पेश करेंगे क्या होगा? कल रिमांड पे आदिल को लेके जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो भी होगी। क्या आदिल के परिवार वालों ने आपसे बात की है अभी? जी उनकी माँ, माँ तो माँ होती है और माँ के लिए तो मेरा दिल हमेशा रोता है, लेकिन मैंने बोला कि मैं आपके लिए, आपकी बहू हमेशा आपके लिए खड़ी आधी रात को आप बोलिए, लेकिन आदिल के बारे में कुछ मत पूछना। मैंने बोला उनकी आंटी को पूछो, मैंने उनको सात महीने में कितनी बार बोला आदिल मुझे मारता है, टॉर्चर करता है। उनकी आंटी ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी जगह मैं होती राखी तो उसको मैं कब से छोड़ देती, तुम छोड़ दो, क्योंकि मैंने उनको सारे मारने के वीडियो प्रूफ भेजे थे। उन्होंने बोला राखी आदिल को अभी के अभी छोड़ो, बिकॉज तुम्हारी जगह मैं होती लगा? इतने अफेयर्स तो मैं तो उसे नहीं रखती। बट मैंने कहा कोई बात, अरे दिख रहे पूरा मुंह मिला। उन्होंने उनको बहुत समझाया, माँ ने समझाया, आंटी ने समझाया, लेकिन मुंबई नगरिया चकाचौन स्टार बनने के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, पैसे क्या बोलूँ मैं, उनको इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं ना, उनको मैसूर से ही, बैंगलोर से ही। शादी से पहले मुझे सब पता होता तो शायद आज का ये दिन ना आता। उन्होंने एक लड़की ने ऑलरेडी मैसूर से केस किया हुआ है, तो आप अपने वो नहीं अभी कुछ नहीं बताएंगे, नहीं आपको नहीं बता सकते। अभी कोई क्या उम्मीद है आपकी कोर्ट में, अगर केस जाता है तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? कोर्ट में अभी बेल की प्रोसीजर होगी, जब बेल एप्लीकेशन होगी तब उसका जवाब हम उसी तरीके से देंगे। अभी उनकी बेल एप्लीकेशन जब लगेगी तब की बात तब है। बट ऑफेंस बहुत ही क्रूर है, जो जो भी मैंने पुलिस को सब सबूत दिखाए हैं, मुझे लगता है कि अगर देश की जनता, अगर वो आप देख लोगे कभी नहीं सोचोगे कि क्या राखी सावंत के ऐसा साथ हो सकता है। यह भोला चेहरा दिखने वाला आदिल ऐसा कर सकता है? आपने देखे हैं वीडियोस, बताइए। एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जब होती है तब इंटीमेट वीडियोस जो निकाले नहीं जाने चाहिए। बहुत कुछ है जो अभी मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी, नहीं ये वक्त नहीं, नहीं है, जब सही वक्त आएगा सारी चीजें हम धीरे धीरे कोर्ट में पेश करेंगे। बहुत ऐसी चीज है घटिया घिनौनी, मुझे आज सिर्फ मैं अपने नहीं ले उन हिंदुस्तान की या बाहर की सारी लड़कियों के लिए आज मैं खड़ी हूँ कि जो मेरे साथ हुआ उनके साथ ना हो। अभी उन दो लड़कियों का मुझे बाहर से फ़ोन आया है कि इसने मेरे साथ भी ऐसा किया है, लेकिन हम स्टेप नहीं उठा पाए, हम यहाँ से भाग के चले गए। राखी जी, एक लास्ट उम्मीद अभी भी है राखी और आदिल के होने की। अब कौन सी उम्मीद बाकी है, किस उम्मीद की बात कर रही हैं आप? 377 लगने के बाद, 498 लगाने के बाद बहुत बड़ा कदम है ये। एक मैं तो राखी की तरफ से ये कहूँगा कि ये कैंसर था जिसको राखी ने काट के फेंक दिया।
राखी पर कई कई हद तक लोगों का, काफी लोगों का कहना है लव जिहाद का एंगल भी लोग लव जिहाद कहाँ से आता है इसमें? कौन सा लव जिहाद एंगल आ रहा था आपने? नहीं, इसमें लव जिहाद कहाँ से आ रहा है आपको? लोग कौन सा लोग कह रहे हैं लव जिहाद? आप लोगों के मुंह में मत डालिए ये बात, आप बोल रहे, आप मत डालिए। कोई लव जिहाद का एंगल इसमें नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल गलत आरोप है। कोई लव जिहाद का इसमें एंगल नहीं है। ये एक पारिवारिक मसला था, राखी भुगत रही थी, आखिरकार राखी ने आज फैसला ले लिया। प्लीज इसको लव जिहाद से जोड़ के मत देखिए इसको, कहीं पे भी लव जिहाद नहीं। एक भाई खड़ा ना उसका यहाँ पे, क्या नाम है आपको पता है? तो प्लीज डोंट ब्रिंग इनटू दैट, डोंट गो इनटू दैट। नहीं, मेरा मेरा जावेद भाई है, मेरे भाई जावेद है, मेरा वाहिद भाई है, इन्होंने यहाँ रहकर पूरा सपोर्ट किया है, पूरा सपोर्ट किया है। इसमें लव जिहाद का मैटर इसमें नहीं रखे तो बेटर है। प्लीज, एक इंसान की गलती से सबको मुस्लिम ये वर्ड को हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जब एक इंसान गलत है तो ये सब पे इल्जाम नहीं लगना। तो दो मुसलमान आज अपने भाई बन के खड़े हैं ना इनकी मदद के लिए, तो प्लीज आई डोंट वांट हिंदू मुस्लिम और लव जिहाद। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और सब मेरे मुसलमान जो और भी मेरे भाई है वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैंने एक पत्नी का फर्ज निभाया है, बस। क्या उस लड़की ने आपको लास्ट बार कुछ कहा जिसके वीडियोस हमने देखे, फोटोज देखे, आदिल के साथ कॉल आया आपको? अभी मुझसे जब वो मुझसे माफी मांगे ना कि मैं सबको छोड़ दूंगा, ये करूंगा, तो मैंने कहा आप कुरान पे हाथ रखकर उसको जाके मिलते हो, सब करते हो, तो तुम मुझे कहाँ छोड़ोगे? और मैंने कहा कि अब बुलाओ ना उसे, कहाँ है वो? बोलते नहीं, अब मेरा मुझे चक्कर आ रहे, प्लीज छोड़ दीजिए।